जो एंगेजमेंट का घमंड है ना, एक मस्त फैक्ट बताता हूं मैं। 13 मार्च को मैंने टिकटॉक ज्वाइन किया। 1.5 महीने में सिर्फ अपने वीडियो के पुराने क्लिप्स पोस्ट किए, 1.5 महीने में 2 मिलियन फॉलोअर्स आए टिकटॉक पे, 2 मिलियन। जो एंगेजमेंट का जो बबल है ना आपका, ये जो घमंड है ना, ये एक दिन फूट जाएगा। क्योंकि अगर हम सब यूट्यूबर्स ने अपना ओरिजिनल कॉन्टेंट पुराना भी टिकटॉक पे पोस्ट करना चालू कर दिया ना रेगुलरली, तो फिर बात हम लोग अभी जस्ट बात कर रहे थे, हम लोग क्लियर कर दे, ये ना हम लोग कोई कम्युनिटी के अगेंस्ट ये वीडियो स्टोरीज नहीं डाल रहे। ये जो भी आज कैरी ने बनाया है, मैं जो बात कर रहा हूँ, दिस इज अगेंस्ट दैट स्टूपिड वीडियो। मैं लाखा मार दूंगा, मैं इधर आऊंगा तो ये कर दूंगा। एक बंदा क्या कह रहा था, भूल गया मैं, क्या कह रहा था? भैया जी एंगेजमेंट। हाँ, हमारी एंगेजमेंट कुछ ज्यादा है। और क्या था? हाँ, अगर हम यूट्यूब पे आ गए तो क्या कर देंगे भैया जी? तहस नहस, खत्म। खत्म कर देंगे। कह रहा हूं उठाओ दुकान, भगलो, किसी को नहीं बताऊंगा, भगलो भगलो। और क्या बोला था? एक और बोला था कुछ, फेस वैल्यू। I'm sorry guys, I'm sorry. अब मजाक नहीं, बहुत सीरियस हो गया, प्लीज अब सीरियस। ठीक है भाई। पर वैसे वो एक और बात कह रहा था, क्या कह रहा था याद नहीं आ रहा। क्रिंज इन 200। सबसे पहले तो सभी भाइयों को और जितनी भी लड़कियां देख रही हैं सबको थैंक यू मेरी तरफ से। 4 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो गए हम लोग वाले चैनल पे, जल्दी 1 मिलियन हो जाएंगे, बहुत खुशी मनाऊंगा। और बहुत सारे भाई लोग मेरे को बोलते रहते हैं, भाई तुम रोस्ट किया करो अपनी स्टोरीज में, जैसे स्टोरी है तो इसमें कोई बिठा कर रोस्ट कर दूंगा। तो उसी के लिए मैं आज तुम लोग के लेकर आया हूँ दुल्हन। सही सुना तुमने, दुल्हन ही लेकर आया हूँ, तुम एक बार देखो। भाई बकायदा चूड़ा पहन रहा, चूड़ी ना ले रहा है, चूड़ा पहन रहा। जो दुल्हन वुल्हन पहनती है ना अपनी शादी पे, शादी के बाद कई लोग पहनते हैं, लड़कियां पहनती हैं, वो पहन रहा बकायदा। तो भाई अरसे मैं कहना चाहूँगा, भाई अगर तुम्हें लड़की बनने का इतना शौक है ना भाई, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, इतनी ज़्यादा बढ़ गई है ना टेक्नोलॉजी, तुम ये सब करना छोड़ दो, तुम सीधा एक काम करो, लड़की बन जाओ, फिर चूड़ा पहनो, पेटीकोट पहनो, घाघरा पहनो, जो मर्जी तुम्हारा जी करे ना वो पहनो, पर यार ये बकचोदी मत करो। तो मैं उन टिकटॉकर से पूछना चाहूंगा जो कह रहे थे कि तुमने बॉडी शेम करा, तुमने गाड़ी बकी है, बड़े बड़े रोस्टर ऐसा नहीं करते, कैरी मिनाटी की वीडियो आई है तुम्हें देख के पता चल गई होगी, तुम ऐसा फील हो रहा हो तुमको कि भाई ऐसे डंडी ऊपर से जा रही थी, पकड़ के हमने ना पीछे ले ली, और भाई उस डंडी पर लग रहा था तेल, कैरी मिनाटी ने वीडियो निकाल दी, अब आएगा डीनो जेम्स का गाना, वो भी तुम सुनना, और मेरी भी एक वीडियो आ रही है लाइफ ऑफ अ टिकटॉकर, तुम उसे भी देखना, तो फिर तुम कहो उड़ती डंडी फिर पीछे ले। यार एक बात है, मैं सही टाइम का वेट कर रहा था, ऑफेंड मत होना, हो जाना, चलो कोई दिक्कत ना, हो जाना। जो लड़कियां छोटे बच्चों की साउंड पे वीडियो बनाती है ना, छोटे बच्चा कोई बोल रहा हो उसकी लिप सिंक करती, यार मत बनाया करो यार, तुम बहुत बुरी लगती हो, क्यूट नहीं लगती यार, प्लीज। पहले तो कोई एक पर्टिकुलर यूट्यूबर ने रोस्ट किया टिकटॉक वाले लोग को, जिसके अंदर उसने लड़कियों को बॉडी शेमिंग किया और फालतू बातें थे टिकटॉकर्स लोग को लेके रिलेटेड। तो मेरा पहली तो बात ये बोलना है कि तुम रोस्ट, पहली बात इंडियन कल्चर नहीं है रोस्ट करना किसी को, वो फॉरेन कंट्री से लिया गया हुआ है। और फिर उसके बाद अगर तुम कोई लड़की को बॉडी शेम करते हो सिर्फ लोगों को हंसाने के लिए या एंटरटेन करने के लिए या व्यूज़ के लिए या कोई भी पर्पज़ के लिए, तो ये गलत है। अगर तुम किसी को रोस्ट भी कर रहे हो तो यार करो, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यार वो मर्यादा और लिमिट्स रख के करो कि कोई पर्सनली ना ले, उनको बुरा ना लगे। यार तुम बहुत लोग रोस्ट करते हैं लेकिन वो अच्छा भी करते हैं ना। कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा था मैं कि तुम बड़े हो हम छोटे हैं, बड़े छोटे ऐसा, मैंने बोला कि एंगेजमेंट की बात है तो फैक्ट है कि हमारे एंगेजमेंट आज के टाइम पे हाई है क्योंकि लोगों को टिकटॉक पसंद है, पसंद है। पहले सेलिब्रिटीज नहीं थे प्लेटफॉर्म पे, सेलिब्रिटीज आ गए, यूट्यूबर्स है, बहुत सारे अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स आ चुके, तो ये रोस्टिंग कम्युनिटी जो है, कौन सी बात से तुमको प्रॉब्लम हो गई थी और चिढ़ हो गई थी? अभी भी मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ लोग हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं। ये टॉपिक था टिकटॉक और यूट्यूब, बट तुमने इसको रिलीजन में कन्वर्ट कर दिया। तुम बोल रहे हो कि रमजान ही एक अच्छा टाइम है तुम्हारी बजाऊंगा क्योंकि तुम बोल नहीं पाओगे। कम ऑन, ये कौन बोलता है यार? ये सोशल मीडिया को यूज करके हमको पीस, लव और ह्यूमैनिटी स्प्रेड करना है। आज इंडिया में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, कोरोना वायरस है और बहुत सारी चीजें, तो ये चीजों के बीच में हम लोग रिलीजन क्यों ला रहे हैं यार? जो प्योर हिंदू प्योर मुस्लिम, दे आर टुगेदर, दे आर हेल्पिंग ईच अदर, उन लोग साथ में रह रहे, तो तुम जैसे गूंज की वजह से मेरे को नहीं चाहिए कि ये यूनिटी खराब हो लोगों की। यूनिटी मत खराब करो यार, कि कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, अरे ये टॉप पे क्यों जा रहा है, उसको रोस्ट करो, ये क्यों कर रहा है, वो ऐसा ऐसा, ये सब चीज़ों में हिंदू मुस्लिम क्यों ला रहे हो? अभी मैंने वो लक्ष्य चौधरी, बेसिकली एक लड़का है
जो रोस्टिंग कम्युनिटी से यूट्यूब पे है और इंस्टा पे वो अपनी स्टोरी में डाल रहा है खेतों में जाके गाली गलौज कर रहा है मेरे को। भाई यार तू बड़ा इंसान है, तू गाली देके एंटरटेन कर सकता है लोगों को, मैं नहीं कर सकता। तू मेरे को गाली देके तेरे को खुशी मिल रही है और गाली दे तू भाई, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तू टीम 07 को गाली दे रहा है क्या? तू पहचानता है वो अदनान कौन है? अदनान पागल सा एक बंदा है, अगर वो बोल दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और गाइस जहां जहां तुमको लगता है कि कोई बंदा हेट फैला रहा है अनफॉलो और रिपोर्ट करो, बात ही खत्म करो। अगर तुमको लगता है कि कोई हेट फैला रहा है, गाली गलौज कर रहा है, तुमको नहीं पसंद आ रहा है, कोई लड़की की इज्जत नहीं कर रहा है, अनफॉलो करो। क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, बस थोड़ा बहुत चल रहा है लाइफ और हेट हो रहा था थोड़ा बहुत, और ज्यादा होएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये जो बोल रहे हैं ना, ये कुछ लोगों के वजह से सबको बोल रहे हैं। इन लोग जाहिल लोग हैं, इन लोग एक तो पहली बात तो जितना जेलस जितना हेट फैलाने में टाइम निकाल लगा रहे इन लोग, वही टाइम अगर इन लोग खुद को ग्रूम करने में लगाएंगे, थोड़ा वर्कआउट करेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे हेल्दी, तो शायद इन लोग अपना खुद का फोटो कवर में डाल के यूज करके व्यूज कमा सकते हैं, फिर हम लोग का वीडियो हम लोग का कवर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जैक्टली यार, मतलब अदनान हैव यू सीन सब थंबनेल्स में सिर्फ टिकटॉकर्स के फोटो डाले? मैं ये देख रहा हूँ कि अभी हम लोग के ग्रुप का नाम लिया गया, मेरे ग्रुप का, कि इन लोग का बैकग्राउंड क्या है, इन लोग की हैसियत क्या है, तो हम लोग की हैसियत बताने वाले इन लोग कोई नहीं है। अभी कुछ मत बोलो, रमजान का महीना है, अल्लाह इन लोग को अकल देवे, बस यही दुआ करेंगे अपन सबके लिए। इन लोग जाहिल लोग लड़कियों को भी रोस्ट कर रहे हैं, रोस्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम नहीं है, रोस्ट भी एक करा जाता है यूट्यूब पे, इन लोग कर रहे हैं चैनल, मगर कोई प्रॉब्लम नहीं, माँ बहन को गाली नहीं देते इन लोग की, माँ बहन को इन लोग लगता है इज्जत नहीं देते हैं, इन लोग की तरबियत वैसी मिली इन लोग वो खानदान से, इससे पता चलता है कि इन लोग का बैकग्राउंड क्या, तरबियत दिया इन लोग को, तो इससे गंदा करके मतलब नहीं है। मेन सबसे ज्यादा मेरे को बुरा क्या लगा, दो चार लड़कियां हैं जो टिकटॉकर्स है, मैं सबका नाम मेंशन नहीं करूंगा मगर समझने वाले समझ जाएंगे कि इन लोग उन लोगों को गालियां दे रहे हैं गंदी गंदी माँ बहन की। इन लोग या तो फिर अपनी माँ बहन से भी वैसी बात करते रहेंगे तभी ये दूसरी की लड़की की माँ बेटी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूंगा कि लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, तुम लड़कियों के साथ रोस्ट कर रहे हो ठीक है, रमजान का महीना तुम गालियां दे रहे हो, अगर कोई ज्यादा ज्यादा टेंशन में चली गई, प्रॉब्लम हो गया, मेंटली स्ट्रेस हो गया, तो फिर कुछ खुदा ना खास्ता कर लेवे तो फिर उसका रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा। और जो लोग गालियां दे रहे हैं माँ बहन को, लड़कियों को, मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इग्नोर करो वैसे लोगों को, रिपोर्ट करो आप जाके। एग्जैक्टली, जो कोई गलत बात कर रहा है गाइस, गाली गलौज कर रहा है, रिपोर्ट करो और खत्म करो, और बिल्कुल उनको बढ़ावा मत दो। चलो मैं ओपनली नाम लेता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, एल्विश वॉज द गाय, एल्विश यादव, जिसने रोस्ट चालू किया था पहले, और उसके बाद उसका एक फ्रेंड है कोई तो लक्ष्या चौधरी, और वो बंदा लक्ष्या जो चौधरी है, मैं एल्विश से बात करूं तो मेरे को समझ में आता है मेरी और एल्विश की बातें और वो कम्युनिटी की बातें, ये लक्ष्या क्या क्यों बीच बीच में पढ़ के गाली गलौज कर रहा है सबको, खेत में जा रहा है बंदर जैसा कूद रहा है, और ये अपने यूट्यूब के वीडियोज में ये लक्ष्या चौधरी बोलता है कि वी आर रियल इन्फ्लुएंसर्स। तो क्या इन्फ्लुएंस कर रहा है लोगों को ये इन्फ्लुएंस कर रहा है कि माँ बहन की गालियां दो, ये सब फालतूगिरी करो, हेट फैलाओ। सही में एक बात बोलूं मैं एल्विश, मेरे को ना तेरे से कोई हेट नहीं है भाई, ना मेरे को तेरे से कोई तकलीफ है, ना मेरे को तेरे से कोई प्रॉब्लम है। एक टाइम था मैं जब तेरे वीडियोस देखता था, तू अच्छे खासे वीडियोस बना रहा था, भले तू किसी को कॉपी कर रहा था, कैसे भी वीडियोस बना रहा था, अच्छे वीडियोस बना रहा था, वेर तू एक्टिंग करता था, तेरा कंटेंट अच्छा था, क्या जरूरत थी ये रोस्टिंग वोस्टिंग करके आने के लिए इधर, अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा खासा रखता। और मेरे को बहुत लोग बोल रहे हैं कि वी आर वेटिंग फॉर कैरी मिनाटी का वीडियो, लेट कैरी मिनाटी रोस्ट आमिर सिद्दीकी। ओके, इट वुड बी अ लवली अपॉर्चुनिटी कि कैरी मिनाटी मेरे को रोस्ट करेगा, मैं तो खुश हो जाऊंगा यार कि मैं वो बंदे को दिखा हूं, मैंने उसके वीडियोस में, एक अवार्ड शो में उसके बाजू में बैठा हुआ था, मेरे को मालूम है, तो आई विल बी वेरी प्राउड कि मेरे को रोस्ट करेगा, अच्छा लगेगा, मैं पॉजिटिवली ले रहा हूँ। सोचो एक टिकटॉकर के लिए इतने सारे यूट्यूबर्स लोग ने वीडियो बना दी, भले वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्या हुआ, बनाया ना एक बंदे ने, तो सोचो अगर सारे टिकटॉकर्स बोलने लग जाएंगे तो क्या होगा। और मैं ये एल्विश को भी बोलना चाहूंगा, एल्विश मेरा भाई, मेरे को तेरे से कोई हेट नहीं है, आई यूज टू सी योर वीडियोज, एंड जब तू अच्छे वीडियोज बनाता था स्कूल लाइफ और ये सब के वीडियोज दिखाता था, खाली फोकट रोस्टिंग पोस्टिंग करके गाली गलौज करके क्या मिल रहा है तेरे को, तू खुद भी तो टिकटॉक पे है, तूने खुद ने भी, तू अगर क्रिंज बोल रहा है, कूड़ा कचरा बोल रहा है टिकटॉकर्स लोग का उठा के तू दिखाएगा, तो तूने भी तो टिकटॉक पे वही सेम वीडियोस बनाया है, लिपसिंग किया है, क्यों किया? अगर तेरे को इतनी प्रॉब्लम थी कूड़ा कचरा उठाना था, तो तेरा कूड़ा कचरा पहले तो उठाना। What's up everybody? That's your boy आमिर सिद्दीकी, live all the way from Mumbai। तो कैसे हैं आप लोग? तो गाइज आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं ऐसे गेटअप में क्यों बैठा हूँ, तो गाइज यार मैं आपको बताना चाहता हूँ, पिछले 2-3 घंटों से मैं वो सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देख रहा हूँ जो हमारी कम्युनिटी वाले लोग के बारे में बात कर रहे, जो कि है टिकटॉक कम्युनिटी। तो गाइज मैं अब भी आया हूँ अपने टिरैक्टर को पार्क करके अपने प्लॉट पे। तो गाइज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं इनके कंटेंट एकदम ढासू है, कतई जहर कंटेंट बनाते हैं यार इन लोग, बट इनकी कुछ वाहियात बातें और इनकी कुछ वाहियात सोच है ना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और गाइज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को किसी से कोई हेट नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मेरे को आप लोग के पॉइंट्स अच्छे नहीं लगे तो मैं बात कर रहा हूँ। तो पहला पॉइंट है कंटेंट। आप लोग हमारी कम्युनिटी वाले लोग के कंटेंट को बोलते हो क्रिंज,
यार हर कोई क्रिंज कंटेंट नहीं बनाता है, कुछ लोग होते हैं जो क्रिंज कंटेंट बनाते हैं, मैं भी मानता हूँ ये बात। और जैसे कि फिलहाल मेरे को लगा कि आपका कंटेंट बहुत क्रिंज है, क्योंकि आप हमारे ही वीडियोस लेके हमारे ही वीडियोस से व्यूज ला रहे हो, पैसे कमा रहे हो और हमारे ही कंटेंट को क्रिंज बोल रहे हो, तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। और गाइस सेकंड पॉइंट है सीसी। सीसी तो आप लोग समझ ही गए रहेंगे मेरे भाई लोग, क्रेडिट कार्ड और कंटेंट कॉपीराइट से बच के रहना चाहिए। यार मेरे से अच्छा तो आप लोग जानते रहेंगे, आप लोग ही हमारे कंटेंट को एक्सप्लॉइट करके इतने प्यारे तरीके से यूज करते हो। यार टिकटॉकर्स आपको प्राउड होना चाहिए कि आप लोग का कंटेंट यूज करके इनको व्यूज आ रहे हैं और इन लोग पैसे कमा रहे हैं। तो यार गाइस शायद हमारे कम्युनिटी वाले लोग को कंटेंट कॉपीराइट के बारे में नहीं पता रहेगा, लेकिन मेरे को अच्छे से पता है और आप लोगों को भी अच्छे से पता है। हम चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं आपके चैनल के साथ और बहुत कुछ बिगड़ सकता है, लेकिन यार ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि यार एक दूसरे को हमने तो बस इतना ही सिखाया कि एक दूसरे को सपोर्ट करके चलो, प्यार करते चलो। मेरे को किसी से नफरत नहीं, हेट नहीं, और अगर किसी को मेरे से और ये बातों से प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज मेरे को डीएम कर लेना, मैं आपको डीएम में समझा दूंगा बातें पर्सनली। तीसरी बात आती है कम्युनिटी सपोर्ट की। यार आप लोग की कम्युनिटी मैंने देखा है कि आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, बहुत झगड़े करते हो यार तुम लोग। अगर तुमने कोई कंटेंट बना दिया, महीने में आप 3 कंटेंट बनाते हो वैसे भी, अगर आपके 3 कंटेंट है तो सारे यूट्यूबर्स कम्युनिटी सब वही कंटेंट कॉपी करने लग जाते हैं, वही बातें होती है। भाई बहन के वीडियोस तो सब भाई बहन के वीडियोस बनाएंगे, गोल्ड डिगर की वीडियो तो सारे गोल्ड डिगर्स के वीडियो बनाएंगे, मतलब भेड़ बकरी वाले चाल करते रहते हो तुम लोग, और उसमें भी तुम लोग आपस में लड़ लेते हो, क्या बात है यार, मतलब सपोर्ट तो बिल्कुल ही नहीं। अब यही बात मैं तुमको एक लाफा मारूंगा और बताऊंगा हमारी कम्युनिटी की बात। तो हम जो टिकटॉकर्स की कम्युनिटी है ना, अगर कोई एक ट्रेंड आता है ना, हम लोग अगर कॉपी भी करते हैं ना, तो हम लोग कभी किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलते, हम लोग आईडी दे देते और सपोर्ट करते एक दूसरे को। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे में अगर कोई बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, जैसे कि फैजू हो गया, जन्नत हो गई, या फिर अशिका भाटिया हो गई, फैजल सिद्दीकी हो गया, रिवॉल्वर रानी हो गई, बहुत सारे लोग हैं जो बड़े लोग हैं, लकी है, 07 है, तो ये बड़े लोग हैं। अगर हम लोग में से कोई छोटा क्रिएटर इनसे हेल्प मांगेगा ना, तो ये लोग कभी मना नहीं करते, उल्टा प्राउडली इनको हेल्प करते, सपोर्ट करते और सिखाते हैं कि आप लोग को ग्रो कैसे करना है। मैं पर्सनली खुद करता हूं लोगों को सपोर्ट कि कैसे ग्रो किया जाता है, आप मेरे प्रोफाइल पे जाके देख सकते हो। और जहां तक रही बात हमारी कम्युनिटी की, तो हम लोग यूनिटी में रहते हैं हमेशा। तो मैं आज ये बातें कर रहा हूं अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करके। और गाइस यार कोई बुरी बांधने वाली बात नहीं है, आप लोग ने किया, हम लोग ने स्पोर्टिंगली लिया, तो अब आपकी बारी, आप लोग भी सारी चीजें स्पोर्टिंगली लेना। और अब मैं बात करना चाहूंगा मेरे फेलो टिकटॉकर्स से। तो गाइस आप लोग छिड़ो मत, डीमोटिवेट मत हो, अगर आपको कोई ट्रोल कर रहा है, रोस्ट कर रहा है, तो उसको स्पोर्टिंगली लो। और मैं जितने लोग वो यूट्यूबर्स है जो तुमको ट्रोल करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो मैं उनको बोलूंगा कि भाई हम लोग महीने के 3 कंटेंट नहीं बनाते, हम लोग दिन के 3 या 4 या 10 कंटेंट बना के पोस्ट करते हैं। तो अगर हम यूट्यूब पे आ गए ना जिस दिन, उस दिन तुम्हारा वहां से भी मार्केट खत्म हो जाएगा। आज तुम एंगेजमेंट की बात कर लो, मैं पहले ही बता देता हूं मेरे को ये चीज का घमंड नहीं है, मैं बस बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये सब चीजें बोलने पे मजबूर करते हो, आप लोग के पॉइंट्स और आप लोग जो भी लोगों को बोलते हो ना सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को, गलत गलत बातें करते हो, उनको डीमोटिवेट करो, इसके लिए मैं बोल रहा हूं। इंस्टाग्राम पे देखोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है, अगर बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स की बात करोगे तो हम लोग का एंगेजमेंट तुम लोग से अच्छा है। तो ये दुआ करो कि हम लोग यूट्यूब पे नहीं आए। एक्चुअली यार सारे टिकटॉकर्स को यूट्यूब पे आ जाना चाहिए और इनसे अच्छा अच्छा कंटेंट पोस्ट देखता हूं मेरे को तू पसंद है। यार तू बॉडी शेविंग करके किसी को कुछ भी बोल रहा है, डंपर है, कोई ब्लू लेंस पहन ले, बाल कलर कर ले, यार उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे, तू कौन होता है बोलने वाला भाई। अभी मैं बोलूं मेरे को तेरी शक्ल नहीं पसंद आई, टट्टी जैसी शक्ल है तेरी, तो तेरे को बुरा लगेगा ना, तो वैसे दूसरे लोग को भी बुरा लग रहा है जिनके बारे में तुम बात कर रहे हो, ट्रोल कर रहे हो और ये सब कर रहे हो। मैंने देखा यार फैजन को रोस्ट कर रहे हैं, रिवॉल्वर रानी को रोस्ट कर रहे हैं, सौम्या को रोस्ट कर रहे हैं, फैजू मंजूल को रोस्ट कर रहे हो। यार इन लोग के ना कभी पास्ट में जाके देखो कि इन लोग क्या करते थे, इन लोग ना बहुत छोटी सी जगह से उठ के आज इतने ऊपर आए, इनकी मेहनत है वो, तो मेहनत के बारे में ऐसा मत बोलो क्योंकि वो डीमोटिवेट होंगे आपकी वजह से। अगर किसी के बारे में अच्छी बातें नहीं कर सकते हो ना, तो प्लीज बुरी बातें मत करो। बस इतना ही बोलूंगा, अगर मेरी कोई बात का बुरा लगा है तो आई एम सो वेरी सॉरी। और बस इतना ही बोलूंगा, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और गाइस प्लीज ये सब बंद कर दो जो आप लोग कर रहे हो, बना रहे हो परमिशन लो, बनाओ, रोस्ट कर रहे हो परमिशन लेके रोस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है ना ये वीडियो से, तो पर्सनली डीएम कर देना, डीएम पे अच्छे से समझाऊंगा, बात करके समझाऊंगा, मेरे को कोई घमंड नहीं है भाई, मैं डीएम चेक करता हूं, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं, क्योंकि यार अल्लाह बहुत बड़ा है और ये लोगों ने मेरे को बनाया है, तो लोगों की इज्जत करता हूं मैं, लोगों को मैनिपुलेट नहीं करता हूं मैं।
लोग आजकल करते हैं ना मैनिपुलेट कि हमारे लोग ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं, फैंस है ये वो, भाई तो हम फैंस नहीं बना रहे, हम कोई सेलिब्रिटी नहीं है, हम सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं। हमारा काम है टू स्प्रेड पीस लव एंड ह्यूमैनिटी, और आज मैं इनके वजह से बनाऊं जो ये वीडियोस देख रहे हैं, तो मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। शायद आप लोग की वीडियोस नहीं दिख रही रहेगी इन लोग को, हम लोग की वीडियोस ज्यादा ही दिख रही है, इसी के लिए तो आप लोग रोस्ट कर रहे हो ना हम लोग, क्योंकि हम लोग ज्यादा दिख रहे हैं। तो आप लोग भी मेहनत करो, आप लोग भी बनाओ वीडियोस, और अगर हमारे कंटेंट क्रिंज या कुछ होते तो आप लोग क्यों आ गए टिकटॉक के ऊपर? पहले सेलिब्रिटीज भी बहुत बोलते थे कि टिकटॉकर्स क्या है, ऐसा है वैसा है, आज खुद सारे सेलिब्रिटीज टिकटॉक पे, आप सारे यूट्यूबर्स भी तो आ चुके हो यहाँ पे, तो वो जगह को रोस्ट करके और वो जगह के बारे में गलत बात करके फिर तुम उधर ही वीडियोस डाल रहे हो, तो थोड़ा अजीब लगा मेरे को, सोचने वाली बात है। बस नो हार्ड फीलिंग्स, आई लव यू गाइज अ लॉट, और आपने जो किया मैंने भी वही चीज किया, तो नमस्ते, सत श्री अकाल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, लव यू गाइज अ लॉट, बस प्यार करते रहो, वही चाहिए, प्यार की कमी है, प्यार आप लोग से दूंगा मैं।